अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप जो है सरकार की नई स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि सरकार दे रही है प्रतिमाह 3,000 रुपये ई श्रम कार्ड वालों को, तो आप इसका एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप इसका एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको जो है सरकार जो 3,000 रुपये प्रतिमाह देगी। तो आप किस तरीके से इसका आवेदन कर सकते हैं तो इसी को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है बताएंगे अपनी वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको ई श्रम के अधिकारी पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसी को लॉगिन करने के लिए आप देखते हैं साइड में रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम और नीचे दे रहे हैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट। तो हमें जो है अपडेट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं अपना जो है UIN नंबर सब कुछ दिखा रहा है, मगर हमें कुछ नहीं करना है और हमें करना है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे। तो आप जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हुए देख रहे हैं मोबाइल नंबर, इस पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर डाल दें और ये कैप्चर कोड यहाँ फिल कर दें और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दें। उसके बाद अदर्स इंटर OTP, ये OTP आ गया यहाँ पे, उसके बाद इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर यह दिखा रहा है आधार नंबर। तो ये जो कॉलम दे रखे हैं हमें चाहे तीन, इन तीनों कॉलम में अपना आधार नंबर हमें जो है फिल करना है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि आप फिंगरप्रिंट से या आईस से या OTP किससे आप अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम जो OTP लेंगे मोबाइल OTP से जो है कैप्चर कोड यहाँ फिल करें। फिल करने के बाद देखते हैं आगे सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ रिसीव आधार लिंकड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट क्लिक करते हैं आप देखिए आपकी जो है डिटेल सारी यहाँ पे आ चुकी है, डिटेल आ चुकी है और ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप पर जो है क्लिक नहीं करना है गलती से भी। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ई श्रम कार्ड जो है डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें करना है अपडेट। आप ये देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे साथ देखिए आप देखें अपडेट प्रोफाइल डाउनलोड UIN कार्ड एंड एलिजिबल स्कीम फाइंड। तो हमें जो है डाउनलोड UIN कार्ड पर क्लिक कर देना है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी देखिए इधर ई श्रम कार्ड की जो है अपडेट हो चुके आ चुका है, ये आप साइड में देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है सरकार की स्कीम दिखाई गई है, हमें इसमें से बताते हैं आपको किस स्कीम का लाभ लेना है। तो आप ये लास्ट में दूसरे नंबर पर देख रहे हैं इनरोल फॉर पेंशन, इस पर जो है हमें क्लिक कर देना है। इसी चीज यही वाली स्कीम हमें चाहिए तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर लिखा है क्लिक हेयर, तो हमें जो है इसी पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास देखिए तीन कॉलम आ चुके हैं जिसमें लिखा है सेल्फ इनरोलमेंट CSE अवेलेबल और एडमिन लॉगिन। तो इनमें से जो है हमें कौन सा बेटर रहेगा, ये सेल्फ खुद से करना चाहते हैं तो हम खुद से वाला ही चूज़ करेंगे। अब आपको देना है यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दें और आगे प्रोसेस पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पे आपको डाल देना और आगे करना प्रोसेस। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये नई साइट हमारे फॉर्म जो है इस डैशबोर्ड जो खुल चुका है। अब हमें इसे यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे आप सर्विस, इस सर्विस पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें नो फॉर्म दिए गए हैं, तो हमें पहले वाले पे इनरोलमेंट पे जो है क्लिक करना है क्योंकि हमें यह वाला फॉर्म भरना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक कर सकते हैं करते हैं तो आप देखते होंगे ये पहले नंबर की जो स्कीम आ रही है प्रधानमंत्री ई श्रम योगी मनधन योजना, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं ये आ चुका है पूरा फॉर्म खुल के, आपको ये सारा का सारा फॉर्म जो है आपको फिल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने ई श्रम कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका ई श्रम कार्ड नंबर आ चुका है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आप आ गए हैं आधार, यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर देना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करते ही आपके मोबाइल नंबर पर जो लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल के आगे प्रोसेस करें। तो जैसे आप प्रोसेस करते हैं तो ये देख के हैं आपका मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह,
आपका नाम जो है सब यहाँ पे है, ऑटोमेटिक जो है फिल हो चुका है क्योंकि आपके आधार कार्ड से जो है आ गया है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना डालना चाहे डाल दें वरना इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। और इसके बाद मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, आपका स्टेट आ गया है और डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है। बस यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपसे पूछा गया है डू यू विंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रेजिशन, तो यस या नो, तो हमें इसे नो कर देना है। अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर देना है आपको। अदर डिटेल, कैटेगरी आपकी जो है ऑटोमेटिक आ चुकी है और इसके आगे जो है हमें यहाँ पे चुनना है कि आपका व्यवहार क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो आप अपना जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वेयर मेंबर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तो आप इसमें से दिखा रहे हैं आप इसमें से किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, यस या नो, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। और यहाँ पे पूछ गया आप इनकम टैक्स पे हो, तो यहाँ पे भी हमें नो कर देना क्योंकि आप इनकम टैक्स का पे नहीं कर रहे हो। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको आगे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर सकते हैं, दूसरे कॉलम में आप देख रहे होंगे बैंक एन, इसमें आपको जो फॉर्म, ये जो फॉर्म है आपको इसमें नॉमिनी को बताना है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है, तीसरे में आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको उसको एक डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद चौथा जो आएगा आपका, इसमें आपको उसको फॉर्म को जो है इसमें अपलोड कर देना है जो पीछे भरा था आपने अभी फोर्थ में। अब आते हैं फाइव में जो है आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट की जो है पूरी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। तो आप जैसे कि इधर देख सकते हैं आपकी अगर एज 18 साल है तो 18 साल है तो आपको जो है हर महीने सर आपको 60 रुपये डालने हैं, वो 60 साल की उम्र तक केवल 55 रुपये देने हैं, 55 आपको देने हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट आपको 55 आपको गवर्नमेंट देगी, तो टोटल आपका होता है 110। अब आप देख सकते हैं कि 18 साल की उम्र में तो हर कोई जो है 55 रुपये ऐसे ही खर्च कर देता है, तो इसीलिए हर महीने सरकार को आपको केवल 55 रुपये ही देने हैं। तो और कब तक देना है, 60 साल की उम्र तक। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही अगर आप 19 साल की अगर आपकी एज है तो आपको 60 रुपये करने हैं, वो 60 साल की उम्र तक 58 रुपये पे करने हैं। तो ऐसे ही धीमे धीमे आप देख सकते हैं एज के हिसाब से आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब जैसे आप 40 साल की उम्र में इसको अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 60 साल की उम्र तक इसे आपको 200 रुपये देने हैं, और 200 रुपये आप देंगे तो 200 रुपये ही इसमें गवर्नमेंट डालेगी, तो इसी को मिला के बनते हैं आपको 400 रुपये। तो आपको जो है 60 साल की उम्र के बाद जो है इस पेंशन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो इसी को तो ऐसे ही जो आपको पे करना है। अब जो लास्ट का जो डाउनलोड कार्ड आता है, इसमें जो है आपका एक कार्ड मिलेगा, इस कार्ड को जो है आपको डाउनलोड करना है क्योंकि इसी के ज़रिए आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लें। ये जो स्कीम है ई श्रम कार्ड वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने घर फैमिली मेंबर रिश्तेदारों में, मेरी वीडियो को जो है शेयर करें ताकि इस चीज़ का जो है हर कोई लाभ ले सके। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।